हेलो एवरी वन वेलकम टू दिसम दट इज स्टडी आर्ट मोटिवेशन एंड एजुकेशन इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अब स्टेलाइजेशन तो स्टेलाइजेशन प्रोसीजर जो है और इसके बारे में आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकता है इन योर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर ओके तो आपको स्टेरलाइजेशन पे क्वेश्चन आपके ऑलमोस्ट सारे ईयर्स में आ सकता है आई इट इज़ इन द लॉन्ग क्वेश्चन और इन द शॉर्ट क्वेश्चन ओके सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ओके सो व्हाट इज स्टेरलाइजेशन स्टेरलाइजेशन में हम क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं कि अगर हम नॉर्मली बात करें तो हम स्टेलाइजेशन कब करते हैं अगर हमें किसी इंस्ट्रूमेंट uh, को क्लीन करना है तब स्टेलाइजेशन की जरूरत पड़ती है ओके सो द प्रोसेस बाय विच आर्टिकल्स आर फ्री ऑफ ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिजम बोथ इन वेजिटेटिव एंड स्पोर स्टेट ठीक है देन मेथड्स की अगर हम बात करें तो देर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ मैथड्स फिजिकल मैथड्स एंड द केमिकल मैथड्स or agents or you can say a physical agent and the chemical agents so in physical agents there are sunlight dry uh, drying then dry heat moist heat filtration radiation and ultrasonic or sonic vibration whereas in chemical agents there are alcohol aldehyde dye and um, halogens phenols surface active agents metallic salts and gases okay now there are some filters also in filters we have we have three types that is inorganic filters organic filters and the membrane filters membrane filter is the most acceptable filter and it is commonly used in the hospitals and it ensures the purity of the air okay now coming to the radiation radiation are of two types okay so first is your ionizing radiations and the non-ionizing radiations in ionizing radiations you have uh, x-rays gamma rays cosmic rays okay and it is very lethal to to dna and penetration power is very higher and the energy of electrons are also very high okay examples in radiation radiation स्टेरलाइजेश मेथड्स को हम स्यूचर मटेरियल में यूज़ करते हैं विटामिन एंड हॉर्मोन्स एक्सेट्रा यूज कर सकते हैं वेयर इज नॉन आयोनाइजिंग इसमें इंफ्रा रेड रेडिएशंस आते हैं इट फॉर्म्स इट 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 इस फॉर्म ऑफ हॉट एयर स्टेरलाइजेशन एंड इसको हम यूज करते हैं इन सिरेंज स्टेलाइजेशन ओके दिस एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एज दे कैन बी आस्ट इन योर क्वेश्चन ओके एम सिक यूर क्वेश्चन एंड यू वी रेज आर ऑल्सो देयर यू वी रेज को हम यूज़ कर सकते हैं इन वायरस रिसर्च लैब एंड दी ऑपरेशन रूम्स ओके सो रेडिएशन में दो तरह के रेडिएशन हमने देखे आयोनाइजिंग रेडिएशन नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन ठीक है आयोनाइजिंग रेडिएशन में आपका गामा रेज कॉस्मिक रेसा आ जाते हैं बहुत लीथल होते हैं डी एन ए के लिए क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स um, की एनर्जी को बढ़ा देते हैं पेनिट्रेशन पावर बढ़ा देते हैं इट कैन बी यूज फॉर द स्टेलाइजेशन ऑफ सूचर मटेरियल विटामिन एंड द हॉर्मोन्स वेयर इज नॉन आयोनाइजिंग इज इसमें दो तरह के रेडिएशन देखने को मिलते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन एंड यूवी रेडिएशन infrared radiations used in a st uh, syringe sterilization and the UV rays radiations are used in various research uh, labs and the operation rooms okay now coming to the physical methods which are very very important now, फिजिकल मैथड्स फिजिक इन फिजिकल मैथड्स सबसे पहले तो सनलाइट ओके सो सनलाइट एज अ सनलाइट करती क्या है सनलाइट बैक्टीरिया एडल एक्टिविटीज़ करती है ठीक है तो सनलाइट जब पड़ेगी तो बैक्टीरियाज जो हैं उनकी एक्टिविटी बहुत कम हो जाएगी बिकॉज वो मरने लगेंगे क्योंकि वो मरने लगेंगे दैन हीट हीट क्या करता है नेचर ऑफ हीट हीट जो है वो नेचर ऑफ हीट के ऊपर बेस्ड है सो इट कैन बी ड्राई हीट एंड द मॉइस्ड हीट ठीक है सबसे पहले हम ड्राई हीट की बात करेंगे ना ड्राई हीट में क्या होता है प्रोटीन डी नेचुरेशन हो जाएगा अगर हम ड्राई हीट यूज कर फॉर स्टेरलाइजेशन सो देर विलोटी एंड ऑक्सीडेटिव डैमेज अगर हम टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ एलिटेड लेवल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स देखें तो अगर हम रेड हीट यूज कर रहे हैं तो इट कैन रेड हीट कैन बी यूज फॉर स्टेरलाइजिंग ऑब्जेक्ट्स ओके फॉर एग्जाम्पल इनऑकुलेटिंग वायर्स नीडल्स फॉर स्टेप एक्सेट्रा ओके दैन फ्लेमिंग हम फ्लेमिंग यूज कर सकते हैं uh, फॉर द स्टेलाइजेशन ऑफ माउथ ऑफ कल्चर ट्यूब्स ओके दैन वू कॉटन वूल प्लग्स एंड ग्लास लाइट्स इन सब में हम यूज़ कर सकते हैं इंसर्नेशन हम यूज़ कर सकते हैं इन सॉइल ड्रेसिंग एंड द बैंडिंग एंड पैथोलॉजिकल मटेरियल्स में इट इज़ द एक्सेलेंट मैथड ऑफ डिस्ट्रॉइंग दैट बैक्टीरियाज एंड वायरस ओके दैन हॉट हॉट एयर ओवन अगर हम इसकी बात करें तो हॉट एयर ओवन जो है जो इट इज़ एट द वन सिक्सटी डिग्री इसका जो टेम्परेचर होता है इट इज़ एट द टेम्परेचर ऑफ 160 सिक्सटी डिग्री सेल्सियस फॉर वन आवर ठीक है हम इसे वन आवर के लिए इसमें हम जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स रख रहे हैं वो रख सकते हैं क्या, क्या कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स रख सकते हैं तो हम ऑल ग्लास सीरेंजेस रख सकते हैं पैटे टस्ट रख सकते हैं टेस्ट ट्यूब रख सकते हैं पैपटाइड्स रख सकते हैं स्केपल सिजर्स ये सब रख सकते हैं ओके नाउ ड्राई हीट का अगर डिसएडवान्टेज हम हीटिंग uh, का ही अगर हम डिसएडवांटेज देखें तो हीटिंग से सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि हम जो भी हमारे प्लास्टिक के इंस्ट्रूमेंट्स uh, होते हैं हम उन्हें हीटिंग uh, के थ्रू नहीं कर सकते हैं स्टेरलाइज ओके नाउ कमिंग टू द मॉइस्ट हीट हमने ड्राई हीट के बारे में पढ़ लिया ड्राई हीट का सबसे मेन पॉइंट ये है कि ड्राई हीट का सबसे मेन पॉइंट ये है कि प्रोटीन डिमेचुरेशन कराता है ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है हम रेड हीट यूज़ कर सकते हैं फ्लेमिंग इंसर्नेशन एंड हॉट एयर ओवन यूज़ कर सकते हैं कमिंग टू दी मॉइस्ट हीट इन मॉइस्ट हीट इट हैज़ अ लीथल इफेक्ट बाय डीनेचुरेशन एंड कोगुलेशन ऑफ द प्रोटीन आपका ड्राई हीट ड्राई हीट क्या करा था, करा रहा था ड्राई हीट प्रोटीन डी नेचुरेशन करा रहा था वेयर एज मॉइस्ट हीट क्या करा रहा है डी नेचुरेशन करा रहा है प्लस कोगुलेशन ऑफ द प्रोटीन ऑल्सो ठीक है नाउ हम इसको तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे और ये देखेंगे सबसे पहला पार्ट इज योर टेम्परेचर अगर टेम्परेचर हंड्रेड डिग्री सेल्सियस के नीचे है तो क्या क्या होगा इफ़ द टेम्परेचर इज लेस देन हंड्रेड डिग्री सेल्सियस दैन देर विल बी अच्चुराइजेशन ऑफ दाई दिल्क दैट इज एट दिक्सटी थ्री डिग्री सेल्सियस फॉर थर्टी मिनट्स एंड एग्जाम्पल्स जो बैक्टीरिया जिसमें मर सकते हैं आर एग्जाम्पल्स माइक्रो बैक्टीरियम सेलमोनाला एंड ब्रोसेला देन वैक्सीन बात वैक्सीन बाथ में क्या होता है इट कैन किल ऑल द नॉन स्पोरिंग बैक्टीरियाज एंड इंस्पिजेशन हे आर द स्लो सॉलिडिफिकेशन इज़ डन ऑफ सीरम एंड द एग्स इसको हम 80 डिग्री सेल्सियस पे कर सकते हैं तो यहाँ से आपको दो क्वेश्चन मिल सकते हैं कि पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क कितने डिग्री सेल्सियस पे हो सकता है तो 63 डिग्री सेल्सियस पे एंड इंस्पेशन uh, किस पे हो सकता है और स्लो स्लो सॉलिडिफिकेशन किस पे हो सकता है 80 डिग्री सेल्सियस पे ओके okay? ना अगर हम टेम्परेचर एट हंड्रेड डिग्री बिल्कुल एग्जैक्ट एट हंड्रेड डिग्री पर रखते हैं तो क्या क्या हो जाएगा स्टेंडलाइजेशन के टाइम पे देयर विल बी टेंडलाइजेशन दैट इज़ एट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस फॉर थर्टी मिनट्स वेजिटेटिव स्पोर्स जितने भी होंगे वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे अगर हम बॉयल कर रहे हैं बॉयलिंग कर रहे हैं एट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस द वेजिटेटिव फॉर्म्स ऑफ फंगाइज एंड वायरस जो है वो सारे हट जाएंगे फिफ्टी टू सेवेंटी डिग्री सेल्सियस पे ही ठीक है अगर हम नीडल्स और इंस्ट्रूमेंट्स को बॉयल करना चाहते हैं तो हमें टेन टू थर्टी थर्टी मिनट्स तक उन्हें बॉयल कर करना पड़ेगा एंड स्टीम एट एटमोस्फेरिक प्रेशर के थ्रू जितने भी कल्चर मीडिया है हम वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं देन कमिंग टू द टेम्परेचर इफ़ द टेम्परेचर इज अबव हंड्रेड डिग्री सेल्सियस तो इसमें हम जाते हैं ऑटो क्लिविंग पे ऑटो क्लिविंग पे एक अलग वीडियो मैं आप लोग के लेकर आऊंगी इन द नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट द ऑटो क्लिविंग अभी के लिए अगर हम देखें तो ऑटोक्लेविंग 121 डिग्री सेल्सियस पर होता है फॉर 15 टू 20 मिनट्स एट 15 एल प्रेशर पर स्क्वायर इंच ओके सो इट इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर एंड अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो कल्चर मीडिया रिबन गोड्स रबर गोड्स सिरेंजेस गाउन्स ड्रेसिंग इन सबको हम स्टेललाइज कर सकते हैं थ्रू ऑटो ओके एंड ऑटो इज द मोस्ट um important method or it, it is the most common methods used in your uh, even you have seen autoclaving in your uh, college also. Okay. So it is the most co most common method also. Chemical methods may go in chemical methods. वी हैव एलडी हाइट्स एंड एल्कोहल एल्डी हाइट्स एंड एंड हेलोजन ओके सो इन एल्कोहल वी यूज सेवेंटी परसेंट ऑफ एल्कोहल एंड इट इट इज़ यूज एज इन के स्किन एंटीसेप्टिक ओके दैन एल डी हाइट एल डी हाइट इज द मोस्ट कॉमन इसमें मोस्ट कॉमन हमारा आता है फॉर्मेल्टी हाइट एंडी ग्लूटे एलडी हाइट फॉर्मेलिटी हाइट क्या करता है आपका तो फॉर्मलिटी हाइट जो है वो गैश्र फॉर्म में होता है ट्वेंटी परसेंट हम इसे यूज़ करते हैं इन सेवेंटी विथ सेवेंटी परसेंट ऑफ एल्कोहल ट्वेंटी परसेंट नॉर्मल्टी हाइट विथ से इन सेवेंटी परसेंट ऑफ़ द एल्कोहल फॉर एटीन आवर एटीन आवर्स इससे क्या होगा जितनी भी फ्यूमिगेटिंग होगा इन ओ टी वो सब चला जाएगा देन टू परसेंट ऑफ देन ग्लूटोल्डी हाइट के बारे में बात करें तो ग्लूटरहेल्डी हाइट केमिकल यूज़ करते हैं टू परसेंट ग्लूटरहल्डी हाइट जो है वो वेजिटेटिव स्पोर्ट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है देन हेलोजेंस की बात करें तो इन हेलोजेंस वी हैव टू थिंग्स डेट इज क्लोरामाइन टी दैट इज़ यूज इन बाउंड स्पेसिस स्पेसिस एंड आर सी टी में हम यूज कर सकते हैं एंड आयोडीन वी यूज एज अ एंटीसेप्टिक एजेंट एंड इट इज़ अ जर्मिसाइडल दैन अ क्लोरीन ओके ये क्लोरीन से ज़्यादा जर्मिसाइडल होता है ओके सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टेरलाइजेशन प्रोसीजर्स ओके सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टेरलाइजेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग या आपको आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में हर साल पूछा जा सकता है ओके सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू इन एकेडमिक्स एंड इफ इट डस देन आई वुड बी रियली रियली ग्रेटफुल एंड कमेंट डाउन एंड टेल मी इफ दिस वीडियो हैव हेल्प यू और नॉट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आई सी यू आर नेक्स्ट वीडियो टिल दैन डोंट टू सब्सक्राइब द चैनल